लोकसभा चुनाव के चलते खरगोन जिले की पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कसरावत के पास बेलगांव से 770 लीटर अवैध जहरीली शराब जब्त की है। आबकारी अधिकारी नागेश्वर सोन केसरी ने बताया कि बहुत दिनों से जहरीली शराब की सूचना भिलगांव से मिल रही थी। हमने 8-10 अड्डे मार्क करे थे, जिसमें भिलगांव का अड्डा सबसे बड़ा था, जिसे हमारी टीम ने सिविल ड्रेस में रेकी की थी। इसे लेकर खरगोन एसपी साहब से बात की तो उन्होंने पुलिस फोर्स हमारे साथ भेजी, इसी वजह से यह बड़ी कार्रवाई हो पाई है। कार्रवाई में एक आरोपी सहित दो मोटरसाइकिल, 770 लीटर कच्ची मदिरा और 500 ड्रमों में 72,000 किलोग्राम लाहर है। वर्ष 2013 के बाद यह खरगोन जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आबकारी अधिकारी नागेश्वर सोन केसरी ने यह भी बताया कि वह पूरे जिले में किसी भी गरीब की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। सर, क्षेत्र में काफी दिनों से अवैध शराब को लेकर चर्चाएं चल रही थी, आज बड़ी कार्रवाई की है, क्या मुखबिरों की सूचना थी? लगता ऐसा है कि कोई बहुत पहले से योजना बनाई जा रही थी, क्या था आज का मामला? अच्छा, वर्ष 2013 में ये कार्रवाई हुई थी। वर्ष 2013 के बाद अभी तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है और 3 दिन से रेकी की जा रही थी सादे कपड़े में। और सबसे बड़ी चीज ये खबर लगी थी कि जहरीली शराब बनाना चालू कर दिया है इन्होंने। तो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर साहब और जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, दोनों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ज्वाइंट पुलिस और आबकारी की ज्वाइंट टीम के द्वारा आज कार्रवाई की गई है, जिसमें मंडलेश्वर से एसडीपी साहब साथ में है। लाइन का पूरा फोर्स, 50 लोगों का फोर्स आया हुआ था। 770 लीटर कच्ची हाथपट्टी शराब मिली है, दो मोटरसाइकिल मिली है, जिस मौके में छोड़कर दो मुलजिम भाग गए हैं, एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है और कम से कम 72,000 लीटर लहान पकड़ाया गया है पहली बार। ये अभी तक की खरगोन जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसमें जहरीली शराब में क्या क्या मिला है? जहरीली शराब में आप देख रहे हैं जैसा कि नौसादर है जो तत्काल केमिकल रिएक्शन के लिए यूज होता है, तो ये सबसे जहरीला होता है। यदि कभी क्षेत्र में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए जो आप प्रदेश देश के अन्य शहरों में क्षेत्रों में पढ़ते हैं तो बहुत दुखद होगा। इसके लिए आबकारी और पुलिस विभाग ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की है और ये कार्रवाई ऐसा नहीं कि चुनाव को देखते हुए, कार्रवाई हमेशा जारी रहेगी इस क्षेत्र में कच्ची शराब के विरुद्ध। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है तो क्या आगे? आप गलत सुन रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है, मुलजिम गिरफ्तार है, 334 के प्रकरण बने हैं, दो मुलजिम मोटरसाइकिल छोड़ के मौके में भाग गए हैं, एक मोटरसाइकिल में 90 लीटर, एक मोटरसाइकिल में 75 लीटर हाथपट्टी मदरा मिली है, मोटरसाइकिल नंबरों से उनको पकड़ लिया जाएगा। और आगे इस तरीके से अब क्षेत्र में हो सकता है कि आपकी इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचे और काम शराब बनना बंद हो जाए, तो क्या इस तरह से बिल्कुल नहीं मचेगा, हड़कंप मचेगा स्मगलरों के बीच में जो अवैध शराब का काम कर रहे हैं, आम जनता के हित का काम है। मैं शराब माफिया की बात कर रहा था कि उनमें हड़कंप मचेगा और क्या इस तरीके से अब क्षेत्र से शराब मुक्ति होगी? मैं जस्ट एक महीने पहले अलराजपुर से आया हूँ, मैंने वहाँ भी यही किया है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कार्रवाई की है और सबरे जो गुजरात के माफिया उनको धराशायी किया है, मैंने मेरा यही काम। जिस तरीके से भगत जहाँ जहाँ अड्डे हैं, मैं किसी भी गरीब आदमी की जान से नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये बहुत जहरीली शराब बना रहे हैं, बहुत सस्ती शराब के आकर्षण में गरीब तबका शराब पीने चला जाता है, उसकी जान से खिलवाड़ है, ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा इस जिले में। सर, लगातार कार्रवाई जारी है। सर, क्षेत्र में पहले भी अवैध शराब को लेकर और भिलगांव की शराब को लेकर तो काफी आवाजें उठती रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, अभी अचानक एकदम से बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई 2013 के बाद लगभग। देखो, परिवर्तन का दौर चल रहा है और ज्यादा मैं कुछ परिवर्तन के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि भाई सब कुछ बदला है तो बदले परिस्थितियों में काम अच्छा हो रहा है। सर, कितने आरोपियों को इसमें? एक आरोपी मौके से पकड़ा है, दो भाग गए थे मोटरसाइकिल पटक के, तो उनकी गाड़ी नंबर से हम तफ्तीश निकाल लेंगे। एक मोटरसाइकिल में 75 लीटर, एक में 90 लीटर और उसके घर से जो मुलजिम पकड़ाया है उसके घर से 506 लीटर, इस प्रकार 770 लीटर मदरा मिली है कच्ची हाथपट्टी और 72,000 किलो लहान मिला है। सर, जिस तरीके से अवैध जहरीली शराब बनाने के लिए नौसादर का उपयोग किया गया तो क्या इसकी सप्लाई के ऊपर भी कुछ काम किया जाएगा कि कहां से होती है और क्या उन पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है? अभी बड़े स्तर का मामला है, एक्चुअल में प्रशासन करेगा, हम कलेक्टर साहब को अभी उनको बता दिया है, राइटिंग में हम सब रिपोर्ट सौंप रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर।